नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। महादेव चाहे तो ढेला भी, मिट्टी का जो ढेला रहता है वो रुपयों का पहाड़ बन जाता है, और दोस्तों पहाड़ रुपी पैसा भी मिट्टी का ढेला बनते देर नहीं लगती, क्योंकि साक्षात भोलेनाथ जिस भक्त के ऊपर मेहरबान रहते हैं उसको तो मालामाल करते ही करते हैं। उस भक्त के आसपास भी अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसकी भी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, आज के समय क्या होता है, बिना धन के किसी भी प्रकार की कोई चीज संभव नहीं होती। जब व्यक्ति के पास धन होता है तो उसके पास बड़े से बड़ा व्यक्ति भी रहता है, उसके जीवन के अंदर अच्छी चीजें, अच्छे विकार होते हैं, और उसको कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है। उसे उसके जीवन के अंदर सदैव सर्व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन के अंदर धन नहीं है और धन के मामलों के अंदर आपको सर्वदा दुखी रहना पड़ता है, तो यह उपाय आपके लिए ही है। कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, आप क्या करें कि आप किसी भी सोमवार से एक दिन पहले, या फिर आप किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन सोमवार के दिन बहुत अच्छा माना जाता है, सोमवार से एक दिन पहले 7 जल के लोटे लें, बराबर या तो 5 लोटे लें या फिर 7 जल के लोटे लें। प्रत्येक लोटे के अंदर आपको एक बेलपत्र डाल देना चाहिए। ये दोस्तों, जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, और तांबे के लोटे या पीतल के लोटे में ही जल ले, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद आप क्या करें कि उसके अंदर एक बेलपत्र, दोस्तों बेलपत्र साक्षात भोलेनाथ से संबंध करवाता है, साक्षात भोलेनाथ को प्रसन्न करवाने का कार्य करता है। तब आप एक बेलपत्र ले लें, और उसके बाद क्या करें, घर के प्रत्येक अलग अलग कोनों पर, 5 कोनों पर या 7 कोनों पर आप उस जल को रख दें। उस रात्रि के लिए दोस्तों आपको वह जल ऐसे ही रखना है, और उसके लिए आपको ओम नमः शिवाय या ओम महादेवाय नमः या ओम कैलाश धीपति नमः, इस मंत्र का आपको जाप करते हुए उस रात्रि के लिए आपको सो जाना है। अपने घर परिवार की अच्छी मनोकामना, अपने घर परिवार के बारे में अच्छी बातें बोलकर आपको उस दिन के लिए विश्राम करना है। दोस्तों, उसके बाद आप क्या करें, आप भोलेनाथ को अगले दिन सुबह उठें, भोलेनाथ को याद करते हुए पहले स्नान आदि करें। स्नान आदि और नित्य कामों से निवृत्त होने के बाद आप भोलेनाथ को सर्व सुख की प्रार्थना करने हेतु, सर्व चीजों की प्रार्थना करते हुए उस जल के लोटों को आप किसी एक बड़े पात्र, एक जग आदि के अंदर डाल दें, और उसके साथ ही वह बेलपत्र के पत्ते भी आप अपने साथ ले जाएं। उसके बाद आप, आपके आसपास कहीं भोलेनाथ का मंदिर है तो उन 5 पत्तों को या उन 7 पत्तों को एक थोड़ा सा जल चढ़ाएं और एक पत्ता रखें, थोड़ा सा जल चढ़ाएं और एक पत्ता रखें, और ओम नमः शिवाय, और आपके जीवन के अंदर जो परेशानी या आपके जीवन के अंदर जो समस्याएं आ रही थी उनका जाप करते हुए, उनको बोलते हुए भोलेनाथ को एक एक परेशानी के बारे में बताएं, और उनका निदान करने की और आपके घर के अंदर चलने की प्रार्थना भोलेनाथ से मांगें। दोस्तों, ऐसा करने के बाद वहां पर बैठकर जो भोलेनाथ को आपने जल चढ़ाया है उसका थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी चीज और एक बेलपत्र का पत्ता वापस एक लोटे के अंदर डालकर अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं, और उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अपने पूरे घर के अंदर उस जल का छिड़काव करें। और दोस्तों, जो बेलपत्र का पत्ता था उसे आप अपने व्यापार की जगह, अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी या फिर अपने गले के अंदर या अपने पूजा घर के अंदर रख दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपके घर परिवार के अंदर संपन्नता देखने को मिलेगी, और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर जो बुरे विकार थे वह समाप्त होने लगेंगे। दोस्तों, उसके बाद क्या करें, जब अगला सोमवार आ जाए, जब आपने उपाय किया था उसके अगले सोमवार के बाद आपके जीवन के अंदर आप कल्याण चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक काम करें कि संपन्नता की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन के अंदर ऐश्वर्य और सुख को लाने के लिए आप किसी भी सोमवार के दिन जाकर भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, एक रुद्राक्ष का पत्ता लें, एक रुद्राक्ष का बीज लें या रुद्राक्ष का पत्ता लें, और उसे लेकर आप अपने ताबीज के अंदर डालकर अपने गले के अंदर सोमवार के दिन महादेव को याद करते हुए पहन लीजिए। दोस्तों, बड़ी से बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, बड़ी से बड़ा विकार क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी दुखद घटनाएं क्यों ना हो, तुरंत प्रभाव से समाप्त होने लगती है, और आपके जीवन के अंदर बड़े से बड़े विकार कोसों दूर चले जाते हैं। इसका बस मात्र एक छोटा सा उपाय, छोटा सा फायदा करने से ही आपको बड़े से बड़े नुकसानों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको
मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।